हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों आपको जानकारी देने वाले हैं लेमोसिन 25 mg गोली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेमोसिन 25 mg गोली के बारे में आपको आज जानकारी देंगे कि इस गोली के आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी पैकिंग है, किस बीमारी में दोस्तों ये यूज़ की जाती है, ठीक है, और कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो आपको पूरी जानकारी जो है इससे एक छोटे से वीडियो में आज हम आपको देंगे। आप दोस्तों ऐसे कीजिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। लेमोसिन 25 mg टेबलेट जो है दोस्तों, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। इस टेबलेट में दोस्तों सॉल्ट कंटेन है जिसका नाम है लेमोट्रिजिन, जो कि 25 mg के रूप में इस टेबलेट में डाला गया है, ओके। अब अगर इसके उपयोग और इसके फ़ायदों के बारे में जानकारी दी जाए तो दोस्तों लेमोसिन 25 mg टेबलेट का उपयोग किया जाता है मिर्गी दौरों का इलाज करने के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर नामक बीमारी का इलाज करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफाइन कर देता हूँ दोनों के बारे में। पहले हम बात करते हैं मिर्गी दौरों में कैसे उपयोगी है ये टेबलेट, उसके बारे में, ठीक है। लेमोसिन 25 mg टेबलेट जो है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अकेले या फिर अन्य दवाओं के साथ मिलाकर किया जाता है दौरों को रोकने के लिए या फिर उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। यह दौरे उत्पन्न करने वाले तंत्रिका आवेगों को कम करके काम करती है। यह भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने डुलने जैसे मूवमेंट, जागरूकता की हानि या फिर डर या फिर चिंता जैसे लक्षणों को कम करने में काफ़ी मदद करती है। बार बार आने वाले दौरों को कंट्रोल करती है। यह आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में काफ़ी मदद करती है। यह आपको कुछ ऐसे काम भी करने की अनुमति देती है जिन्हें आप करने से डरते हैं या फिर मना कर देते हैं, जैसे कि तैराकी और ड्राइविंग वगैरह, ठीक है। अब दोस्तों खुराक एडजस्ट होने के बाद इस दवा को असरदार तरीके से काम करने में कई सप्ताह लग सकते हैं या फिर कई महीने भी लग सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से सावधानीपूर्वक पालन करें अपने डॉक्टर की बातों का, ठीक है। डॉक्टर के बताई गई गोलियों से अधिक दवा जो है कभी भी ना लें, ठीक है। जितनी डोज आपको डॉक्टर ने बोलेगी है उतनी डोज का आप उपयोग करें, आपको अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। अब लेमोसिन 25 mg टेबलेट जो है दोस्तों, आपके दिमाग में तंत्रिका गतिविधि के असामान्य संतुलन को वापस स्थापित करने के लिए काम करती है। इसे कभी कभी मूड में स्टेबलाइजर कहा जाता है और यह मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव को रोकने में काफ़ी मदद करती है और आपको शांत रहने में काम करती है, ठीक है, मदद करेगी। आपको कम बार डिप्रेशन और उदासी महसूस भी हो सकती है। इस दवा को काम करने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं और इस समय आप क्या है लो भी महसूस कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये दवा जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ की जाती है डॉक्टर द्वारा। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेमोसिन 25 mg टेबलेट के दोस्तों साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाए तो इसके कुछ 4-5 कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सर दर्द, जी मचलना, चक्कर आना, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, दोहरी दृष्टि, धुंधली दृष्टि, ठीक है, नाक बंद होना, त्वचा में लाल चकदे आ जाना और सर दर्द होना। तो ये साइड इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट के उपयोग के दौरान। ज़्यादातर साइड इफेक्ट में क्या है दोस्तों, डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर जब दवा के हिसाब से ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप गायब हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहें, आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि लेमोसिन टेबलेट जो है ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी में। तो ये टेबलेट जो है दोस्तों एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है। यह दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करके दौरों या फिर फिट्स को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, ठीक है, लेमोसिन 25 mg टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिए एंड चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।